Hello aspirant, this is Bikash. Welcome to Social Hof. In this video, I will share the summary of NCF, National Curriculum Framework 2005 in a precise manner that will help you to crack any TET, teacher eligibility test, in an easy way. तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का ज्ञान. ये NCF के ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं NCF 2005 का ओरिजिन के बारे में. उससे पढ़ने से पहले हमें और एक चीज़ समझना पड़ेगा कि NCF जो है NPE से, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, NPE से अलग होता है. NCF और NPE दोनों अलग अलग चीज़ हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NPE इज़ टू एस्टैब्लिश ए नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. वो क्या करता है, NPE क्या करता है, इक्वल एजुकेशन कैसे मिल पाएगा सभी बच्चों को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज, उसके ऊपर फोकस करता है NPE. लेकिन NCF क्या होता है, NCF प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसको, टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे स्कूल में, उनके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे, कौन से एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे वो लोग, उसके ऊपर फ्रेमवर्क क्या करता है, जारी करता है NCF, प्रोवाइड करता है हमें, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है. तो 1986 का जो NPE था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था, उसमें वो क्या किया गया, उसमें NCERT को ये सौंपा गया कि आप क्या करेंगे, एक फ्रेमवर्क तैयार कीजिए और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार कीजिए. उसके ऊपर वो क्या किए, NPE में गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया और उसके तहत NCERT क्या किया, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये क्या किए, एक तैयार किए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किए. और उससे पहले अगर हम बात करेंगे, उससे पहले यानी कि 2005 से पहले और भी तीन NCF थे पहले से ही, जैसे कि 1988 पहला था हम लोगों का 1975 में, उसके सेकेंड बाय 1988 में था, थर्ड वाला था हम लोगों का 2000 में. तो 2005 का जो NCF है उससे पहले और तीन NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑलरेडी थे, लेकिन क्या करने के लिए, हायर क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लाने के लिए 2005 में क्या किया गया, और एक बार NCERT करिकुलम, जितने भी स्कूल करिकुलम थे उसको रिव्यू करने के बाद वो क्या किए, और एक नया NCF लेके आए, और जिसका कि चेयरमैन कौन थे, प्रोफेसर यशपाल क्या थे, उसका चेयरमैन थे. तो और जो चेयरमैन डॉक्टर यशपाल थे वो क्या किए, एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी तैयार किए जिसमें कि 35 मेंबर. नेशनल स्टीयरिंग कमेटी क्या होता है, एक ऐसे कोर कमेटी होता है जिसमें कि जो लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस तरह से जो NCF तैयार होने वाला है वो किस तरह से तैयार होगा, कौन कौन से पहलू रहेंगे उसमें, ये सब चीज़ें. तो उसमें 35 मेंबर्स थे और वो क्या, कौन थे वो लोग, स्कॉलर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, टीचर्स लोगों को भी इनमें इन्वॉल्व किया गया था, और फैकल्टी मेंबर जो थे NCERT का फैकल्टी मेंबर वो लोग भी थे, और कुछ NGO के, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसमें, और रिप्रेजेंटेटिव्स और कहाँ के थे, MHRD के, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उनका भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव उसमें, उस 35 मेंबर्स में मेंबर्स थे वो लोग. और उसमें क्या किया गया था, 21 ऐसे नेशनल फोकस ग्रुप भी थे जो कि इन्वॉल्व थे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को तैयार करने में. यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़े तरीके से, बड़े पैमाने में क्या किया गया, NCF को प्रिपेयर करने में बहुत सारे एफर्ट लगाए गए. और जो 1986 में जो भी गाइडलाइंस थे NPE के, या फिर जो POA 1992 के थे, या फिर चट्टोपाध्याय कमीशन 1994 का जो था, या फिर आपका जो लर्निंग विदाउट बॉर्डर जो 1993 में पास हुआ था, उनके ऊपर फोकस करके क्या किया गया, NCERT ने NCF 2005 की कल्पना की है, उनको तैयार किया है NCF 2005 को. तो उसमें जितने भी फ्रेमवर्क है NCF 2005 में, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं 1986 का NPE का, 1992 का POA का, या फिर चट्टोपाध्याय कमीशन का, लर्निंग विदाउट बॉर्डर का, ये इन सब चीज़ों में जो भी गाइडलाइंस हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, उसका असर देखने को मिलता है, उसका इफेक्ट देखने को मिलता है 2005 में. ये तो हो गया NCF 2005 के ओरिजिन के बारे में. अभी हम देखने वाले हैं अबाउट NCF 2005. NCF 2005 के बारे में अभी हम ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे. तो NCF 2005 क्या है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक डॉक्यूमेंट है, ये जिसमें कि क्या किया गया है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है किसके लिए, टीचर के लिए, स्कूल के लिए, क्या करने के लिए, ताकि वो लोग क्या कर पाएँ, नॉलेज प्रोवाइड कर पाएँ किसको, लर्नर को, जो स्टूडेंट है उनको, एज पर देयर रिक्वायरमेंट.
एज पर देयर रिक्वायरमेंट। इस चीज़ को समझना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे जो बोला गया ना, लर्नर्स नीड एंड रिक्वायरमेंट, यानी कि लर्नर को ज़्यादा इंपोर्टेंस दिया गया है एनसीएफ 2005 में। और इसमें और क्या किया गया है, इसमें ये अबाउट एनसीएफ 2005 क्या है, गाइडलाइन है, एक ये गाइडलाइन है जिसमें बोला गया है कि ऐसे एजुकेशन पर्पोज क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे एजुकेशन के, एजुकेशन एक्सपीरियंस किस तरह से दिए जाएंगे, एक्टिविटी के थ्रू दिए जाएंगे या फिर रोट लर्निंग के थ्रू दिए जाएंगे, ये सब इसके बारे में बोला गया है एनसीएफ 2005 में। और आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे एक्सपीरियंस को, किस तरह से आप लोग इवैल्यूएट करेंगे कि कितना पढ़े हैं, कितना सीख पा रहे हैं लर्नर, कितना सीखे हैं, इस सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है, गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया है एनसीएफ 2005 में। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे कि एनसीएफ 2005 जो था ये अलग है, किससे अलग है, उससे पहले जितने भी तीन जो एनसीएफ थे 1975 का या फिर 1988 का या फिर 2000 का, इससे अलग है एनसीएफ 2005, कुछ नया है इसमें। तो ये जो तीनों थे 1975, 1988 और 2000 का, ये बेस्ड थे ये बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी के ऊपर, और जो एनसीएफ 2005 है वो क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो ये सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में है क्या बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी और कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे आप लोग बीएड में, बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी क्या होता है, ये मानता है, ये एक साइकोलॉजी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो मानते हैं कि साइकोलॉजी कैन बी ऑब्जेक्टिवली स्टडीड थ्रू ऑब्जर्वेबल एक्शन। उनका जो मेन लीडर थे उसमें कौन कौन थे, पावलोव थे, स्किनर थे, ठीक है। और ये लोग क्या मानते हैं कि जो ज्ञान है हम लोग का, नॉलेज है ना, वो बाहर से आता है वो, ठीक है। और टीचर क्या करेगा, टीचर का काम क्या है, टीचर क्या करेगा ना, वो ज्ञान प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट को, ओके। और टीचर का बिहेवियर देख के स्टूडेंट सीखेंगे, ये बिलीव के ऊपर फ्रेम हुआ था एनसीएफ 1975, 88 और 2000 का। लेकिन 2005 का जो एनसीएफ था वो कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजी के ऊपर था। कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजी क्या होता है, ये एक साइकोलॉजी है जो मानता है, क्या मानता है कि पीपल कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। लोग क्या करते हैं, उनके अंदर ज्ञान है ऑलरेडी, पीपल के ऊपर, स्टूडेंट के अंदर ऑलरेडी ज्ञान है। टीचर का काम क्या है, टीचर क्या करेगा ना, उनको सिर्फ हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा, ओके। टीचर प्ले द रोल ऑफ एन असिस्टेंट, असिस्ट करेगा क्या करने के लिए, वो ज्ञान को बाहर लाने के लिए, स्टूडेंट के अंदर ऑलरेडी ज्ञान है उसको बाहर लाने के लिए बस टीचर मदद करेगा। तो इसके ऊपर फ्रेम हुआ था 2005 का एनसीएफ। तो इसमें बहुत डिफरेंसेस है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजी का जो मेन थे, थ्योरिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, वो कौन थे, जॉन पियाजे, आप लोग सुने होंगे नाम, पियाजे का थ्योरी जो है बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, पियाजे थ्योरी, उसके ऊपर फ्रेम हुआ है एनसीएफ 2005। तो एक साइकोलॉजी अब जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ज्ञान बाहर से आ रहा है, और एक साइकोलॉजी ब्रांच है वो बोल रहा है कि ज्ञान अंदर में ही है, हमें से क्या करना है, हेल्प करना है स्टूडेंट को वो ज्ञान बाहर लाने के लिए। तो ये चीज़ अगर आप लोग समझ गए तो आपका जो रहता है पेडागोजी पर्सन कोई भी टीईटी एग्जाम में, तो आप आराम से पास कर पाओगे, ठीक है। और उसमें और क्या बोला गया, हम लोग आगे देखते हैं कि जो एनसीएफ 2005 है उसमें बोला गया है कि जो नॉलेज है हम लोगों का, जो अंदर में स्टूडेंट के जो नॉलेज है वो कहाँ से आएगा, हमें क्या करना है, उसको कनेक्ट करना है आउटसाइड वर्ल्ड से, यानी कि उसका जो बाहरी दुनिया है उसके साथ हमें क्या करना है ना, कनेक्ट करना है जो नॉलेज इनसाइड में है स्टूडेंट लोगों के। तो ताकि क्या हो पाएगा, वो लोग अपने जो डे टू डे लाइफ में जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं बच्चे, उनमें वो सीख पाएंगे, उनको याद करना नहीं पड़ेगा। रोट लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं किया गया 2005 में, रोट लर्निंग मेमोराइजेशन के ऊपर फोकस नहीं किया गया। इसमें बोला गया है कि हम डे टू डे एक्टिविटी में बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे, उनका जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसको कनेक्ट करेंगे उनके अंदर में जो ज्ञान है उसके साथ। तो और क्या करेंगे, देखिए एनसीएफ 2005 और क्या बोल रहे हैं कि क्वालिटी के ऊपर फोकस करेगा, क्वांटिटी के ऊपर, और यूनिवर्सलाइजेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। इसमें आया यूनिवर्सलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जितने भी बच्चे हैं वो कोई भी कास्ट हो, क्रीड हो, या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, या फिर रिच हो, पुअर हो, सभी को एजुकेशन मिल पाएगा, और वो भी सेम क्वालिटी के और सेम क्वांटिटी में मिल पाएगा। इसके ऊपर भी फोकस किया गया है एनसीएफ 2005 में। ये एनसीएफ के ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसका अगर आपको पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर देखना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दूसरे एस्पिरेंट के साथ शेयर करें ताकि उनका दुआ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके। सोशल हब।